शर्त के अनुसार मैं अमृत ले आया बड़ी। अब आप सबसे पहले मेरी मां को और मुझे दास्ता से मुक्त कर दीजिए और फिर अमृत स्वीकार कीजिए। मैं और मेरे पुत्र अमर तो हो जाएंगे, किंतु ये विंता मेरी दास्ता से और करुण मेरे नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। यदि अमृत मिलने के पश्चात भी कद्रुन विंता और गरुड़ को दास्ता से मुक्त नहीं किया तो मुझे स्वयं हस्तक्षेप करना होगा। यदि मुक्त होने के बाद करुण और उसकी मां ने मुझसे प्रतिशोध लेना चाहते हो ये क्या हो गया है मां को? शिव जी ने एक यज्ञ के फलस्वरूप मुझे ये माला दी थी। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान महाबलवान आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। उसका जन्म महान उद्देश्यों के लिए हुआ है और उसमें से सबसे बड़ा उद्देश्य उसकी मां को दास्ता से मुक्त कराना। जो बीज आज आप बोएंगी कल वही वृक्ष बनेगा। और अभी भी समय है देवी कद्रु, देवी विंता और उनके पुत्र को कष्ट देने का पाप मत कीजिए। अभी अमृत माँ के नेत्रों के सामने है, फिर माँ किस विचारों में लीन है, क्या चल रहा है इनके दिमाग में? इतनी लंबी प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ी मुझे, किंतु आज मेरे प्रयास सफल होंगे। अपने स्वामी और अनेक ऋषि महर्षि द्वारा बार बार हर पक पर कितना अपमान सहा मैंने, पर अब मेरे पुत्र अमृत पीकर अमर हो जाएंगे और फिर पूरा करेंगे वो सब जो मैंने इनके जन्म से पहले देखा था। विंता ही नहीं, दीदी और अदिति के पुत्रों को भी मेरे सामने सर झुकाना होगा। सदैव सदैव के लिए जीत जाऊंगी मैं। चारों दिशाओं में मेरे ही नाम की जय जयकार होगी। खड़गेन आक्रम्य भुंजीता, खड़गेन आक्रम्य भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा। माँ क्या हो गया है आपको, आप कुछ कहती क्यों नहीं?
वो शर्त आप जीती थी माँ, फिर भी आपने उनकी दासी बनना स्वीकार क्यों किया? क्योंकि ये मेरा पश्चाताप था। ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। जिस प्रकार मैं भी वशता से दास बन गया, उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेगी। तेरी माँ अपने प्राण त्याग देगी, पर अपना धर्म कभी नहीं त्यागेगी और ना ही अपना वचन तोड़ेगी। धन्य है इन माँ पुत्र की कर्मनिष्ठा, अपने वचन को अपना धर्म बनाकर दास्ता को इस प्रकार स्वीकार किया कि अब इनके पैर अपने स्थान को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये दास्ता से मुक्त होने वाले। माँ को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये दास्ता से मुक्त हो रही है। महर्षि कश्यप की पत्नी विंता जीवन भर के लिए अपनी बहन कद्रु की दासता स्वीकार करती हुई अपने और अपने पुत्र के मस्तिष्क से ये भ्रम बाहर निकाल कर फेंक देना कि तुम दोनों को मेरी दासता से मुक्ति मिलेगी। कभी नहीं। प्रभु विष्णु तुझे अमृत नागों को सौंपने कभी नहीं देंगे, और ऐसे में यदि वही तेरे सामने आ गए तो आपके लिए मैं उनसे भी टकरा जाऊंगा। मेरे लिए मेरी माँ की मुक्ति ही सबसे पहला धर्म है।
मैं कश्यप पत्नी कद्रु महेश ब्रह्मा विष्णु पंचतत्व जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी को अन्य सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर विंता और उसके पुत्र गरुड़ को अपनी दासता के बंधन से मुक्त करती हूँ 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 ऐसा लग रहा है जैसे हम देवताओं पर मनुष्यता का ऋण था जो आज उतर पाया है। विनिता की बरसों की तपस्या आज पूरी हुई प्रभु। सभी देवी देवताओं सभी ऋषि मुनियों मेरी वंदना स्वीकार करें। आज आप सबके आशीर्वाद से ही ये प्रसंग दातित हो गया है। ये तो इन दोनों की नियति थी। आप दोनों ने ऐसे पुत्र की कामना की थी जो विश्व में मात्र पितृ भक्त के नाम से जाना जाए, और आपके आराध्य प्रभु विष्णु ने ये सारी लीला इसीलिए रची ताकि संसार की सारी संतानों के लिए गरुड़ एक उदाहरण बन सके। आज मां को मुक्त करवा के गरुड़ ने मेरे श्राप से मां को मुक्त कर दिया। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद गरुड़।
माँ का अपमान करेगा तो पाताल की अंतहीन गहराइयां भी तुम सबको मुझसे बचा नहीं पाएगी। अब मेरे पुत्र अमर हो जाएंगे, अब हमें इस गरुड़ से या इन्हें मिले वरदानों से कोई भय नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर से एक बड़ा बोझ हट गया। इतना स्वतंत्र पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। आपने अपना वचन पूरा किया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिल गई मुक्ति, हो गया प्रसन्न। अबला कलश मुझे दे, कलश मुझे दे गरुड़। अब वचन तुझे पूरा करना है गरुड़, ला अमृत दे हमें। अमृत हमें दे गरुड़, हमें दे गरुड़। नहीं नहीं हमें अमृत, अमृत दे दे हमें, दे अमृत गरुड़, गरुड़ अमृत दे हमें, गरुड़ अमृत मुझे दे। मैं इसका पहले पान करूंगा, मैं पान करूंगा पहले इसका। नहीं, नहीं मुझे दे, मैं पान करूंगा। गरुड़ अमृत इधर दे, गरुड़ अमृत मुझे दे। गरुड़ अब तो तू और तेरी मां मुक्त हो गए है ना, बस मेरी एकमात्र इच्छा पूरी कर दे, अमृत दे दे मुझे। स्मरण करो गरुड़, कद्रु ने तुमसे क्या कहा था? जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल, उसी पल तुझे और तेरी माँ को अपनी दासना के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। तो बस फिर यही तो करना, अमृत को ले जाकर कद्रु के सामने रख दो और स्वयं को और अपनी माँ को मुक्ति दिला दो। एक बार गरुड़ और देवी विंता को मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या करना है देवदा, ये तो आप जानते ही। माँ कुशा के राज की चटाई चाहिए होगी, अमृत को भूमि पर रखना उचित नहीं है ना? एक बार तुम दोनों मुक्त हो जाओ फिर अमृत को उन नागों के सामने रख देना, पर इससे पहले कि वो अमृत को छू भी पाए तुम उन सभी को शौच शुद्धि के लिए भेज देना, फिर मैं जाकर अमृत वापस ले आऊंगा, पर अमृत की एक भी बूंद व्यर्थ होकर ना गिरे। और इसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि उस समय वहां कोई भी नाग उपस्थित ना हो। आपने ये तो बता दिया इंद्रदेव की क्या करना है, परंतु कैसे करना है ये नहीं बताया। बड़ी माँ और ये सभी नाग अमृत के लिए बहुत आतुर हैं, ऐसे में ये कभी मेरे सुझाव को नहीं मानेंगे, अब मैं क्या करूँ? अब गरुड़ कोई भूल नहीं कर सकता, उसे कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। यदि मेरी योजना विफल होगी और नागों को अमृत प्राप्त हो गया तो ये संसार अंत के मुँह में चला जाएगा।